हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो आने के अभी अभी तो प्रभु जी आए नहीं है। आने के प्रभु जी। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा में लिखता है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी हरे कृष्णा मथुरेश्वरीपुर जी। हरि बोल हाँ प्रो जी, अभी गुरु जी। आज क्लास होगा? देखते हैं प्रो जी 5-10 मिनट में। बता अच्छा, तब तो आप कुछ बताइए, रहे 5-10 मिनट। कुछ मार्गदर्शन कीजिए। अभी क्लास है, फिकर मत करिए। कामना करे कृष्ण हरे हाँ हरे। जी बोलिए प्रो जी। अकेले प्रो जी, कितने, हाँ कितने श्लोक तक हुआ था कल? कल प्रो जी 7वें का 14वां हुआ है सर। ओके, 14वां। इतना मुझे याद है। ओके, मधुश्रेष्ठ प्रभु जी, जून 4th, जून 7th को सेशन नंबर 4। ओके, रिकॉर्डिंग तो सारा हुआ है अभी तक के, और डाल दिया जाए जल्दी। ओके भाई। अच्छा, इसमें जी प्रो जी, कह रहे कि हो जाए। कहीं एग्जाम का शेड्यूल नहीं दिख रहा है, पर टेंशन यस, ये फोर्थ लेने चैप्टर की कोई का, प्रो जरूरत। जी फोर्थ चैप्टर का रिकॉर्डिंग का साइट क्या है? ये मेरा चैनल पे चले जाए, मथुरे सरिदास ओ ठीक है, थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। अखिलेश प्रभु, जी पुर जी, पुर जी ये थोड़ा बताएंगे, दैवी संगुण गुण में ये मैं समझ नहीं पाया हूँ अच्छा से, थोड़ा हमको मार्गदर्शन कौन कीजिए सा पुर जी। श्लोक आप बोल रहे हैं? 14वां श्लोक है ना, इसको मैं समझ 14 में नहीं पाया। दैवेशां गुणमयी मम माया दुरत्यया मम एवाय प्रपद्यन्ते मायम एतां तरन्ति ते, है ना। दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग्स ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट दोज हु हैव सरेंडर्ड इनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। अच्छा, देखिए ऐसा है, मैं तो कुछ समझा नहीं सकता हूँ सच बताए तो, बट जो प्रभुपाद जी ने लिखा है मैं सिर्फ उसे रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। जैसे ओके सेवन भाई, पॉइंट फोर्टीन में भगवान बता रहे हैं अर्जुन जी को, जो मेरी दिव्य शक्ति है अर्जुन, है ना, उसके अंतर्गत, है ना, मतलब ये जो शक्ति है ये तीन गुणों से प्रभावित करती है जी, है ना।
और ये तीन गुण आपको पता है, सतर रजतम इत्यादि है ना। और भगवान कह जी रहे अर्जुन जी को कि ये अत्यंत कठिन है, इन तीन गुणों से प्रभावित वाली जो माया है इससे ऊपर उठना बद्ध जीवात्मा को, परंतु जो मेरी शरण ले लेता है वो बड़े ही सहज सहजता से, सरलता से इन तीनों गुणों को पार लांग जाता है ना। जी 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 और पर्पट में फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण की काफी सारी शक्तियां है ना, और सारी शक्ति उनकी आध्यात्मिक है। ऑल्दो द लिविंग एंटिटी इज अ पार्ट ऑफ हिज एनर्जी एंड देयरफॉर डिवाइड ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद मटेरियल एनर्जी इन द सुपीरियर पावर इज कवर्ड। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना है क्या प्रभु जी? जी पर पढ़िए। अच्छा, देखिए तो ऐसा है, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भगवान की सबसे पहले अनेक अनेक शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मतलब जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता है ना, और सारी आध्यात्मिक है, और जो जीव है वो भी उन्हीं की शक्ति है ना, तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति है ना, जो कि बाउंड्री पे है। और परंतु दिक्कत ये है कि ये जो है जीव भौतिक शक्ति के प्रभाव में आने के कारण वो भूल गया है परम भगवान श्री कृष्ण को, है ना। जीवन जैसे कि पहले बताया गया कि आध्यात्मिक और भौतिक दो प्रकार की सृष्टिया है, ठीक है, जो कि भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड से निकली हुई है ना, और द लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू द इटर्नल सुपीरियर नेचर ऑफ द बॉडी टू कंडेमनेशन ऑफ द नेचर टू द कंडीशंस। हाँ, और जीव जो है उसके अंदर भगवान के ही गुण है ना, और भगवान के ही लक्षण है देखा जाए तो क्वालिटी रूप में, परंतु क्वांटिटी में वो बहुत ज्यादा छोटा है ना। भगवान भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, परंतु इस भौतिक जगत के प्रभाव में आने के कारण वो नित्य बद्ध, मतलब बद्ध हो गया है ना। तो उसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए कि भाई जो ये बद्ध जीव आत्मा है इन्हें कभी कभी नित्य बद्ध भी कहा जाता है, या फिर पूरी तरीके से बद्ध हो गया है भाई इस भौतिक संसार में, कृष्ण को भूले है ना, कृष्ण भूलिया जीव है ना, माया अनादिर बहिर्मुख अतैव तार संसार माया दे दुख, है ना, चैतन्य चरितमृता में भी कहा गया है ये, है ना। और अगर हम देखें तो कोई भी इसका इतिहास ढूंढने अगर जाएगा तो वो एक डेट नहीं निश्चित कर सकता है कि कब से ये हुआ है, अनादि काल से हुआ है ये, है ना। कॉन्सिक्वेंटली इज रिलीज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटेरियल वेरी डिफिकल्ट इवन द मटेरियल इंफीरियर एनर्जी मटेरियल अल्टीमेटली कॉन्टेक्टेड विद द लिविंग एंटिटी। हाँ, ये उसी का जो एक इच्छा है ना, भोगने की जो एक प्रवृत्ति है, एक इच्छा है, वो इच्छा के कारण वो इस भौतिक संसार में बद्ध हो गया, बंद हो गया एक किस्म से, है ना। हालांकि ये जो भौतिक सृष्टि है वो छोटी शक्ति अगर देखा जाए तो, है ना, भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके सामने ये तो छोटी शक्ति है ना, परंतु फिर भी जो जीव की भोगने की इच्छा है उसके कारण वो बद्ध हो गया है। मायम तु प्रकृति विद्याम बैकग्राउंड ऑफ माया इज द सुप्रीम मैजिशियन। देखो श्वेता सुन रहे अखिलेश प्रभु, आवाज आ रही? जी जी पर जी हाँ, देखो श्वेता सुरता उपनिषद के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भी ये बताया गया है, मयम तु प्रकृतिम विद्यान मयिनाम तु महेश्वरम। हालांकि जो माया की शक्ति है वो कुछ ही, मतलब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, समझ रहे ना, परंतु जो उसके पीछे के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, जिनको महेश्वर भी बोला गया है, वो इसके वास्तविक कंट्रोलर है। अनादर मीनिंग ऑफ द गुना इज द रोप, इट इज अंडरस्टूड एज द कंडीशन सोल इज टाइटली टाइड टू द रोप ऑफ द इल्यूजन ऑफ मैन बॉर्न द फीट एंड हैंड यू मस्ट बी प्ले विद द पर्सन बिकॉज़ द ग्राउंड कैन नॉट बी फील्स नॉट बी लिबरेटेड, है ना। जो गुण है उनको एक रस्सी से माना गया है, जैसे तीन प्रकार की रस्सी है जिससे व्यक्ति ने अपने आप के हाथ पैर बांध रखे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, है ना। और जी दूसरी चीज ये है कि ऐसा ही व्यक्ति उस जीव को बाहर निकाल सकता है जो कि इस रस्सी में बंधा नहीं है। इसी कारण से परम भगवान श्री कृष्ण है ना, जो कि हमारे परम आध्यात्मिक गुरु भी है और अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे हैं,
वो ही इन बद्ध जीव आत्मा को मुक्त करवा सकते हैं। बिना उनके सहायता के हम इस भौतिक जगत से नहीं मुक्त हो सकते। भगवान श्री कृष्ण के चेतना में रहना, जो कृष्ण भावना भावित होकर के अगर हम रहेंगे, मतलब हर कार्य में भगवान श्री कृष्ण को ही सेंटर में रखना, खा रहे हैं तो प्रसाद स्वीकार रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कुछ उनका पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो कुछ कृष्ण से रिलेटेड सुन रहे हैं, ऐसा नहीं पिक्चर का गाना सुन रहे हैं ना। तो इससे जो हमारे दिन भर का दिनचर्या का चेतना बनेगा, वो बनेगा भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण भावना अमृत, है ना। तो ऐसे चेतना में अगर हम रहेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो हम मुक्त हो जाएंगे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उस माया के स्वामी है, कैन ऑर्डर दिस इनसोमेटली एनर्जी एंड रिलीज दी, हाँ, और इस भौतिक संसार से हमें मुक्त भी कर सकते हैं। ही ऑर्डर्स दिस रिलीज बिकॉज़ ऑफ मच सरेंडर आउट ऑफ दिस फिक्शन इज लिविंग रिलीज जनरली बिलव्ड सन ऑफ द लॉर्ड है, है ना। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु है, कह रहे हैं अहेतु की कृपा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि वो भगवान, वो जीव भगवान के शरण में जाता है थोड़ा सा भी समय, तो भगवान एक जैसे पुत्र या मतलब एक बच्चा होता है ना, जैसे कोई कीचड़ में से खेल करके आया है कि नहीं, तो वो कीचड़ में से खेल करके आए वाले बच्चे को कैसे माँ नहला देती है ना, चाहे वो गंदा रहे तो हिचकी जाती नहीं है। उसी भात बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण हमें अपने छोटे से बच्चे के भांति उस गंदगी को नहीं देखते हैं, जो गंदगी माया से वो विचलित हुआ है इन तीन गुणों के प्रभाव से, वो हमें तुरंत ही मुक्त कर देते हैं और स्वीकार लेते हैं करके उनके श्री कमल चरणों में, परम भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों में अगर हम आश्रित हो, तो हम इस माया के भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आखिरी पैराग्राफ है, मम एव का अर्थ है, मम का अर्थ है कृष्ण, मतलब भगवान विष्णु, है ना, ब्रह्मा या शिव जी नहीं, ठीक है। हालांकि ब्रह्मा जी और शिव जी वो भी काफी उच्चे है ना उनके पोजीशन में, परंतु जो भगवान विष्णु का जो लेवल है उस तक के नहीं पहुंचा जा सकता है, जी बिल्कुल और सच इनकार्नेशन ऑफ रजोगुण, हाँ, क्योंकि जो ब्रह्मदेव है वो रजोगुण के अधिष्ठाता देव है ना, पैशन जिसको कहते हैं, है ना, मुझे ये करने का पैशन है, ठीक है। तमोगुण के अधिष्ठाता देव शिव जी है ना। तो ऐसा है कि ये सुपीरियर है, परंतु भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण इनसे भी ज्यादा श्रेष्ठकर है, जो कि क्योंकि ये दोनों ही अगर देखा जाए तो जीव को ब्रह्मदेव मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते, और शिव जी मुक्ति प्रदान कर अगर कर भी दे, है ना, तो वो वाली नहीं कर पाएंगे जो भक्त लोगों को चाहिए, है ना। इस कारण से ब्रह्मदेव और शिव जी, है ना, ये भी कुछ हद तक के प्रोपाद जी लिख रहे हैं कि थोड़ा सा माया के अधीस्त हो जा रहे हैं करके, है ना, जबकि भगवान श्री विष्णु जो है वो परम स्वामी है माया के, इसलिए वो बद्ध जीव को पूर्ण तरीके से मुक्त कर सकते हैं। श्वेत स्वता उपनिषद में तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में ये लिखा गया है, लास्ट लाइन है अखिलेश प्रभु, जी पर जी मम सर एव विदित्वा, ठीक है, फ्रीडम यस सर इज पॉसिबल ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। इसका अर्थ है मुक्ति तभी संभव है पूर्ण तरीके से जब जीव भगवान श्री कृष्ण को समझ जाए और उनकी प्रेम भरी भक्ति करे, प्रेम भरी सेवा करे, है ना। इवन लॉर्ड जी शिव अफर्म्स द रिप्रेजेंट कैन बी अचीव ओनली बाय द मर्सी ऑफ विष्णु। हरि तो बोल शिव जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु हाँ प्रभु जी जी सॉरी, मैं उधर स्क्रीन देख रहा था ना, मुझे ध्यान नहीं था। हाँ प्रभु जी प्लीज, हरे कृष्णा। नहीं डिस्कशन कर रहे थे चल रहा था। प्रभु जी, वो लास्ट रिवीजन था ना, तो थोड़ा सा ओके अच्छा है वेरी नाइस बहुत अच्छा आप डिस्कस कर रहे थे वेरी नाइस जी, थैंक यू प्रभु और तो बहुत अच्छा ऐसे ऐसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे समझा सकते हैं तो जी। प्रभु जी अच्छा अपना लगा, बोल के अंडरस्टैंडिंग हमको प्रभु जी बताए तो अच्छा लगा, बहुत सुंदर, थोड़ा समझ हाँ तो ऐसे बहुत अच्छा है पूरा डिस्कशन से क्लियर हुआ बात रिपीट कर रहा था बस जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। और प्रभु यस जी आप को होस्ट है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी प्रभु जी, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम्
श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं तं सजीवं सावदैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतलो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरवत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्प तरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आप सबका भक्ति का शास्त्री का स्वागत है। राजशेखर गोपाल प्रो हरि बोल, हरे कृष्णा राजशेखर प्रो, सोमनाथ प्रो, अखिलेश प्रो, लदन श्याम प्रो, कल्याण विवेक प्रो। तो कल हम क्या चर्चा किए थे, कुछ याद है तो आप लोग बताइए कुछ, तो जो भी पॉइंट्स, ऐसे नहीं सीक्वेंस से याद हो, जो भी याद है तो आप बोल सकते हैं। हाँ बोलिए अखिलेश प्रो, कौन बोलेंगे, हाथ खड़ा कीजिए। सोमनाथ प्रो, आपको कुछ समझ में आया, सोमनाथ प्रो बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ अखिलेश प्रो, हरे कृष्ण जी, यस प्रो बोलिए। भगवान बोल रहे हैं कि जल का स्वाद मैं हूं जी। बोलिए 8वां श्लोक में, सूर्य का चंद्रमा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, जो भी है। तो इससे क्या, इस श्लोक में क्या बताते चलता है कि भगवान सब, दो चीज बोला था, सब कारणों के कारण है जी और बोलिए, दूसरा सब चीज के स्रोत सार है, भगवान सार एसेंस है, एसेंस है, एसेंस ऑफ चार। ऑल एवरीथिंग, एसेंस ऑफ एसेंस कृष्णा एंड कॉज ऑफ ऑल काज कृष्ण। ओके श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु, अरे समझ यस प्रो, कुछ शेयर करेंगे कुछ कल का कुछ जो चर्चा किए थे उसमें कुछ। हाँ, प्रभु जी आपने बोला इसमें चार अध्याय से लास्ट कभी पूरा हम कृष्ण चैतन्य में कैसे लास्ट रहना। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू। यस नहीं राजकुमार प्रो, हाँ, सर आपने बहुत अच्छा बताया इधर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हमें हमेशा 24 आवर्स जो है कि नहीं, ये मंथन करना है कि कैसे कृष्ण भावना भावित हम होते रहे, जैसा कि अभी प्रभु जी ने बताया। ओके थैंक यू। विवेक प्रो
राधे श्याम, राधा नाथ श्याम प्रभु। हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा। कल आप बताए थे कि भगवान ही सभी चीजों के कारण है, और जो भी इसमें जल का स्वाद है या भूमि की गंध है, जो सारी भी चीजें उसमें भगवान ही, मतलब अपनी हाँ, भगवान ही आज प्रभुत्व थोड़ा दिखाता आवाज है। आवाज धीमा रहा आपका, थोड़ा तेज क्लियर माइक से। नहीं, कल आप बता रहे थे कि भगवान ही सभी चीजों के कारण है, और जो जल का स्वाद हो या भूमि की गंध हो, इन सब से बता रहे थे, मतलब अपनी प्रभुत्व बता रहे थे कि सभी का कारण नहीं है। ओके ठीक है। और विवेक प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। कृष्ण महानमित का बता रहे थे ना, कृष्ण महानमित के गुरु में भक्ति के गुरु को है, जो लोग निसंदेह कृष्ण महानमित से पहले ही वास्तव में आपके पास भक्त आपका वीडियो क्लियर दिखता नहीं, आपका चेहरा। आपके पास मोबाइल है क्या है? मोबाइल लिया वो प्रभु जी, क्या है ना कि चार्ज में था, डिस्चार्ज हो गया था तो वही चार्ज में लगाया था। नहीं, जैसे सबका दिखता है स्क्रीन में, वैसे आपका दिखता नहीं है। आपका थोड़ा सा ऐसा पूरा फुल स्क्रीन कीजिए। सारग्राही जनार्दन प्रभु। जी प्रभु जी, यस, आप कुछ बोलिए। हाँ, किस विषय प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, कल कल जो क्लास में, कल क्लास में आप थे, कल क्लास। कल नहीं प्रभु जी, कल क्लास में नहीं आ पाया था, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो ओके ओके। सोमनाथ प्रभु। अनम्यूट कीजिए। इतना टाइम, समय नहीं लगना चाहिए, आप लोग समय बहुत लेते हैं। रोहित जी, कल ये भी डिस्कस किया था कि हाँ भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि वे समस्त जीवों के आदि बीज है और बुद्धिमानों की बुद्धि है, और हाँ समस्त तेजस्वी पुरुषों में तेज वही है। हाँ यस ठीक ब्रो। तो आगे बढ़ते हैं, तो श्लोक का आवृत्ति करेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। तो अभी श्लोक 14 तक पहुंचे। तेरा 14 तक हो गए, 15वां। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहृता ज्ञान आसुरम भावमाश्रिताः, चतुर्विधा भजन्ते माम नमो जना सुकृत नो अर्जुना, नमः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृसभा, तेषां ज्ञानी नित्युक्ता अर्जुन एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहम् सा च मम प्रिया, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्, आस्थिता सा हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कामस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता, तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधामि अहम्, सा तया श्रद्धया युक्तस तस्य आराधनमिह ते, लभते च तथा कामान् मय्येवाभिहितानि तान्, अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्, देवं देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया, परं भावम् अजानन्तो मम अव्यमनुत्तमम्।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो वयम नाभि जानाति लोको मामजम अव्ययम् वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तप एषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणं ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय माश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतम् आदिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। और लोग भी हाथ खड़ा कीजिए रीडिंग के लिए। देव प्रभु पढ़ो 15वां वर्स। हरे कृष्ण पढ़े। हाँ पढ़िए। माया प्रियता ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। अनुवाद, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में आदम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों असुरों की नास्तिक शक्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो अभी बोले ये तीन गुणों को पार करना बहुत मुश्किल है। एक कोई भगवान की शरण में आता है तो तीन गुणों को पार कर जाता है। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है, तीन गुण भगवान की शरण में, तो भगवान की शरण क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? तो बोलते हैं भगवान की शरण ग्रहण ना करने का कारण बताते हैं कि चार प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनके बारे में बताते हैं। तो तत्पर पढ़िए। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान दार्शनिक वैज्ञानिक व्यापारी शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा कर्मशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? हाँ, तो यहाँ पे रुके, यहाँ पे जनरल प्रश्न हो सकता है कि ये भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति मनुष्य की प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। तो फिर बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, इस संसार में हम देखते हैं बड़े बड़े दार्शनिक बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन क्यों भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते? तो उसका कारण यहाँ बताते हैं कि ये लोग जो है ये दुष्कृति है। दुष्कृति मतलब दुष्ट स्वभाव के मूर्ख हैं, और अलग अलग कारण मतलब चार कैटेगरी के लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। आगे पढ़िए। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक विज्ञानी शिक्षक प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी संसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोग के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है।
तो यहाँ पे अभी अखिलेश प्रभु तैयार रही है रीडिंग के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कि वास्तविक विद्वान बहुत सारे लोग हैं, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, व्यापारी, लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक दार्शनिक तो, वास्तविक विद्वान तो जो 12 महाजन है, जो महाजन की परंपरा में आते हैं, वो वास्तविक हैं। तो इस प्रकार से उनकी भगवान की शक्ति को जानते हैं, भगवान के भगवान की शरण में जाते हैं। आगे पढ़िए, नास्तिक योजना निर्माताओं को, नास्तिक योजनाओं निर्माताओं को नहीं यहाँ विवेक, आप अखिलेश प्रभु पढ़िए, अखिलेश प्रभु। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिन कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कुंती का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। यहाँ पे दुष्कृति का मतलब है कि जिसका बुद्धि उल्टा काम करता है। कृति मतलब होता है बुद्धि, मतलब ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बुद्धिमान बुद्धू नहीं है, बुद्धि बड़े बड़े, लेकिन वो उटपटांग कामों में लगता है, व्यर्थ के कार्यों में लगाता है जो उसको लाभ नहीं देते, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। चोरी करता है, चोरी भी बुद्धिमान होता है ना, चोर कैसे करना है चोरी, उसकी भी बुद्धि लगाता है। यहाँ बोले दुष्कृति का मतलब जो है, जिनका बुद्धि जो है वो गलत कार्यों में लगा हुआ है, कृति। आगे पढ़िए। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, और नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है। न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान वैज्ञानिक दार्शनिक शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। यहाँ पे जो भगवान की शक्ति का बताया है, सोमनाथ प्रभु पढ़ सकते हैं। हाँ, राजशेखर प्रभु आप हिंदी हिंदी पढ़ सकते हैं? नहीं, अच्छा आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, रेज कीजिए, कौन पढ़ सकता है, कौन इंग्लिश पढ़ते हिंदी? तो आप लोग स्क्रीन में से हाथ खड़ा करके रखिए, स्क्रीन में हाथ खड़ा करके रखिए, तो उसको मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए। तो राधानाथ श्याम प्रभु आप रेडी रहिएगा। तो यहाँ पे भगवान की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, और भगवान की शक्ति को जो है, भगवान इसमें कोई स्वतंत्र नहीं है, भगवान प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, लेकिन किसी की प्रभुता काम नहीं करती, वो केवल प्रभु की ही प्रभुता काम करती है। कितने लोग आए और चले गए, द्रौपदी बोलते हैं नेपोलियन आए, अकबर आए, अलेक्जेंडर आए, सब चले गए। तो यहाँ पे प्रकृति में जो स्वामित्व या प्रभुता जमाना चाहते हैं, सबकी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो ये दुष्कृति जो है, दुष्ट चार प्रकार के लोग, चार कैटेगरी के दुष्ट होते हैं। दुष्कृति का मतलब जो है अच्छी कृति नहीं है, और जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। अभी पढ़िए पहला मूढ़ है, यहाँ से पढ़िए। मूढ़ किसको बोलते हैं? तो इसको बोला था मैंने राधा श्री नाथ हरि श्याम सुंदर प्रभु, नहीं राधानाथ श्याम आपको बोला था। ओके। हाँ पढ़िए। एक मूड वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है।
इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधे से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। तो ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यही नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। तो यहाँ पे एक गधा की तुलना किससे किया है, गधे की तुलना किससे किया है प्रभुपाद जी ने, मूर्ख काम हुए। कर तो गधा मतलब जो काम करता है किसके लिए, उसको लाभ कोई और लेता है, उसको कुछ लाभ मिलता नहीं ज्यादा। वैसे सकाम कर्मी इस संसार में जो है 18 घंटे 16 घंटे जो काम करने वाले, जैसे मैं प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग 3 घंटा ट्रेन में जाते हैं जाने के लिए, 3 घंटा आने के लिए, और 8 घंटा 10 घंटा काम करने के लिए, ऐसे 11 12 13 14 घंटे 15 घंटे ऐसे काम करते हैं। और वो कितना खाते कितना है, 4 रोटी 4 चपाती टोस्ट और ब्रेड और टोस्ट और चाय। और उसके लिए तो गधा भी घास थोड़ा खाता है, खूब मेहनत करता है। तो यहाँ सकाम कर्मी के बारे में बता रहे हैं। हाँ तो आगे श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु, आप लोग हाथ खड़ा रखिएगा, उन्हीं जो हाथ खड़ा करेंगे उन्हीं को बोलेंगे बार बार। आप लोग पढ़ना हाथ खड़ा नहीं करते हैं तो उनको नहीं बोलेंगे। ठीक है। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं आपने ये जिनमें से नहीं पढ़ा पढ़ा इसके पहले सेकंड पैराग्राफ नहीं पढ़ा प्रभु जी, ऐसे लोग जो अपने कर्मों को बाहर से दबे रहते हैं। क्षमा चाहते हरे कृष्णा, ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश की ही उपभोग कर सकें। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर वे मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो शूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। हाँ, यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं हम बिजी हैं, वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव ए टाइम सुनने के लिए। और सकाम कर्मी जो समाचार पर, आजकल तो न्यूज चल रहा है, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये न्यूज, और भक्त लोग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। मैं खुद हो गया था, जिस दिन चुनाव का नतीजा निकलने वाला था तो सोच रहा था, उस दिन क्लास थी, मुझे क्लास करूं कि ना करूं और बाद में 4 तारीख को क्लास भी कैंसिल कर दिया। हाँ मैं बोल कैसे के सब लोगों को, तो क्या कभी कभी हम फिर बाद में क्या आता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, हमारी चेतना को दूषित ही करता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मूर्ख है कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है। आजकल तो 24 आवर समाचार चलता है, 24 आवर 24/7, तो कभी भी खोलो समाचार। तो सोच रहा था ये समाचार भगवत धाम के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति समाचार होना चाहिए। वृंदावन, गोलोक वृंदावन में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी फर्स्ट कैंटम क्या चल रहा है, सेकंड कैंटम चल रहा है, और उतना उत्सुकता भी होना चाहिए। लोग बोलने में भी कितने उत्सुक ईगर रहते हैं और सुनने में भी कितने ईगर रहते हैं। मैं वो चैनल देख के कुछ दिन कुछ घंटे देख के समझ में आया कितना शक्ति आती है इनको यहाँ से, और शक्ति कहाँ से आती है, भगवान। बलम बलवताम चाहम बुद्धिर्बुद्धिताम अस्मि तो कितना, तो ऐसा इंथुजियाज्म भक्ति के लिए होना चाहिए।
तो और मिलने का क्या, कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल इसके बारे में बात, उसके बारे में बात, ये वो ये सब चीज, तो टाइम वेस्ट है, टाइम पास है वास्तव में, तो ये लेकिन कर्मी उनको का तो है। पगार अच्छा मिलता है ना, अरे उनको पगार तो मिलता, सैलरी सैलरी तो अच्छी मिल रही है, तो मेहनत कर रहे हैं। हाँ उनको हाँ पैगरी सैलरी, और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, और बात बस भले सैलरी मिल रही है, लेकिन अल्टीमेट उनकी चेतना कितनी दूषित हो रही है, समझना चाहिए। वो भक्ति से तो दूर है ना, संसार में आना पड़ेगा ना उनको। उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो मानसिकता रहती है, कभी कभी झुकाव रहता है, रुझान होता है। अभी रुझान किसका चल रहा है? ये रुझान, तो ये माया का रुझान तो हमारा, इसलिए हम प्रभावित हो जाते हैं। मैं खुद सोच रहा था कि मेरे रुझान वो देख रहा था अभी क्या, लेकिन उसके बाद ये एक एक, 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 एक दलदल है, इसमें फंसता है व्यक्ति, फंसता ही जाता है, इसमें शांति नहीं मिलती। अभी अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी उसके बाद है इसके क्या, और लोगों टाइम पास के लिए कुछ कुछ मिल जाता है। अभी पहले तो 24 की सरकार, फिर बाद में राजपद, फिर बाद में कौन सा पद, फिर उस पद, फिर नरक पद, फिर ये पद, फिर वो पद, फिर इसकी क्या क्या वो करके टाइम पास करने के लिए 24 घंटा न्यूज रखते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद वही बोल रहे हैं कि नश्वर शरीर वाले समाचार पत्रों को निरंतर सुनता रहता है, तो हमको समाचार, भगवान का समाचार निरंतर सुनने का ऐसा प्रयोजन होना चाहिए, ऐसे प्रावधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसलिए भक्ति सिद्धांत चौकर बोलते हैं कि ये छोटे से शहर के लिए इतने समाचार हो सकते हैं, तो गोलोक वृंदावन में क्या खबर हो रही है उसके लिए कितना कम, कितना बहुत, उसके लिए कितना भंडार करना चाहिए। तो लेकिन भगवान के बारे में समाचार नहीं हो रहा, और इस संसार के जड़, संसार के मरने वाले, मरने ही वाला है जो व्यक्ति, और हाड़ मांस का मटा शरीर है, गार्बेज है, जिस प्रपात बोलते हैं, एक गार्बेज कैरी अनदर गार्बेज। यदि आत्मा को भूल जाए तो गार्बेज ही है ना, शरीर एक गार्बेज है, और एक शरीर को कैरी कर रहा है दूसरा शरीर, गार्बेज, तो गार्बेज में रह के चेतना गार्बेज चेतना हो जाती है। तो ये ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को मूर्ख की तुलना किया है, गधे से तुलना किया है। तो आजकल दुर्भाग्य से आप लोग, हालांकि प्रभुपाद गधा बोलते हैं, लेकिन आपको गधा नहीं मिलेंगे ज्यादा। अब देखो आपके, आप जहाँ रहते हो क्या कितने गधा देखते हो? आजकल गधा का रोल आदमी ने ले लिया, गधा लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं, दिखते नहीं है, गधा नहीं दिखते हैं कि गधा खूब काम करता है। और गधा का तो, गधा वो पहले गधा रहता था, लेकिन अभी गधा ट्रांसफॉर्म हो गया है, मनुष्य में ट्रांसफॉर्म हो गया है, या मनुष्य बाद में गधा बनने वाला है, ऐसा ही है वास्तव में। तो हालांकि गधा गधा बोलते हैं, लेकिन गधा कहाँ दिखता है? सुअर सुअर बोलते हैं, सुअर कहाँ दिखता है? अब गधा और सुअर ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब, इक्के दुक्के चौके मिल जाएंगे कहीं पे, लेकिन तो गधा तो मतलब क्यों है, मनुष्य का, मनुष्य ने ही गधा का ठेला है। पहले बैलगाड़ी होती थी, अभी हाथ गाड़ी हो गई। अरे हाथ गाड़ी कभी सुना नहीं, बैलगाड़ी सुना है। हाथ गाड़ी क्या होता है? हाथ गाड़ी मतलब हाथ से चलाने वाली गाड़ी और ढोने वाली। ओ, अभी बैल का जगह आदमी ने ले लिया, गधे का जगह आदमी ने ले लिया, सारा अवतार आदमी में ही आ गया है, सारे जानवर आदमी में ही आ गए हैं अभी, और सब सब जानवर सब चले गए, लिबरेटेड हो गए हैं। तो लेकिन ये प्रभुपाद उस समय बोलते थे, गधे क्या तुलना करते थे कि गधा उसको क्या कहते हैं, जैसे घास, गधे को वैशाख नंदन बोला जाता है। गधे को क्या बोला जाता है? अभी क्या कर रहा, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अषाढ़ सावन जो है, तो बैसाख चल रहा है ना, ये जेठ कौन चला, जेठ जेठ अषाढ़, जेठ तो हाँ, तो बैसाख नंदन क्यों बोलते हैं? अप्रैल मार्च को, मार्च अप्रैल में बैसाख आता है, बैसाख नंदन बोलते हैं, बोलता है ये सब घास वास सब सूख गई है, तो उसमें खुश, बैसाख नंदन खुश रहता है। तो गर्मी में जब घास वास सूखी रहती है, तो सोचता मैं इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया, और खाया कुछ नहीं रहता, इसलिए खुश रहता है, ना खाने में भी खुश रहता है। और आषाढ़ में जब सावन आता है, हरियाली हरियाली, तो दुखी हो जाता है, बोलते इतनी घास, इतनी घास, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, खा ही नहीं पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो बैसाख नंदन जो है बहुत सुंदर, अच्छा नाम लगता है, बैसाख नंदन, लेकिन जैसे नंद नंदन, तो बैसाख नंदन मतलब नाम है गधे का, दूसरा नाम है बैसाख नंदन। तो इसलिए यहाँ पे मूर्ख का, भारवाही पशु का, तो भारवाही तो भार केवल ढो रहा है। तो इस प्रकार से, और विशेष रूप से व्यक्ति आजकल तो चिंताओं के भार को ढो रहा है, उसके भार क्या, चिंता का भार है, तो चिंता रूपी भार है, सारा गोवर्धन वही उठाया है चिंता का। तो इस प्रकार से
मनुष्य आजकल चिंता को ढो रहा है। हम परम पूज राधा गोस्वामी महाराज बोलते हैं, हर कोई व्यक्ति जा रहा है, घूम रहा है कुछ पाने के लिए, है ना। रोड में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। उससे पूछो तो उसके मन में कुछ विचार चल रहा है ना, तभी तो जा रहा है। नहीं तो सब एक जगह रुक जाना चाहिए। लेकिन चलाए माने लोग, इसका मतलब कुछ पाना चाहते हैं, कहीं जा रहे हैं, वास्तव में क्या ढो रहे हैं? तो भार तो चिंता को ढो रहे हैं। तो हमको किसको ढोना है? हमको कृष्णवाह बनना है। क्या बनना है? कृष्णवाह है, भारवाह नहीं, मालवाह नहीं। जिस प्रकार से नंद वसुदेव ने कृष्णवाह बन गए थे, जैसे ही कृष्णवाह बने तो उनके हाथ में, जैसे ही कृष्ण आए तो उनके हाथों की बेड़ियां टूट गई, जो सलाखें टूट गए, जेल की वो दरवाजे खुल गए, और जो है अंधेरा था वहां प्रकाश हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी चिंता की जगह चिंता को लेना है। तो ये इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आगे पढ़िए, ललित किसको आपको बोला था? पढ़ता हूँ। दूसरे दूसरे प्रकार की दुष्कृति, नराधम। अच्छा, दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को साथ से जाने देता है वही नराधम। तो शास्त्रों से नराधम पता कौन है? चल नराधम कौन है? जो मन नर अधम, मनुष्य के जिसके लिए जीवन मिला है और वो चीज ना करे, तो वो जो कृष्ण भावनामृत को, अवसर को जाने देता है और जागृत नहीं करता है, उस अवसर को खो देता है, वही वास्तव में नर अधम है। कि मनुष्य भगवान को प्राप्ति के लिए बना मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभीर समाना, आहार निद्रा भय मैथुन समाने तत् पशुभी नारायणाम। तो धर्म, मनुष्य जीवन केवल धर्म के लिए बना है। तो नराधम कौन है? जो धर्म, नराधम कौन है? जो धर्म को पालन नहीं करता, धर्म को नहीं समझता गर्भ है, वो नराधम है। आगे पढ़िए, शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धार को भी भूल जाता है क्योंकि वह माया के वशीभूत में हो जाता है। तो इस संसार में माया की कितनी बड़ी शक्ति है कि व्यक्ति को कष्ट दुख सब भुला देती है। हम सब लोगों ने कितना कष्ट पाए हैं, लेकिन हमको अभी याद है क्या? नहीं, वो नाइट पूरा भूल गया है। तो वास्तव में ये और हम सब ने प्रॉमिस किया था, हाँ, जनक जननी स्नेह ते भुलिया संसार लागिलो भालो, भुलिया तुम्हारे संसारे आसिनो पे नाना भिद बैठा। बस भक्तिवर ठाकुर बोलते हैं, और जनक जननी जठरे सैनु चिलम जोखो न बिंधन विषम बंधन पासे। तो जननी के जठर में चिलम जखोने। तो लेकिन
माँ अधरेर जनक जननी, अधर अधरेर छेले, तो अधर में जनक जननी के स्नेह में संसार लागिलो भाला, तो भालो, तो इस प्रकार से हम व्यक्ति भूल जाता है। आगे सचिनंदन दास प्रभु तैयार रहिए पढ़ने के लिए। पढ़ू हाँ कौन सचिनंदन पढ़ रहा प्रभु, हाँ सचिनंदन है? अरे प्रभु, कृष्ण, अरे कृष्ण, हाँ यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता, और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। निन्यानवे अभी जनसंख्या कितनी कितनी जनसंख्या नाराधाम है? 99.99। दस हम लोग भी नाराधाम कैटेगरी में ही आते हैं, नरोत्तम कैटेगरी में नहीं है अभी, लेकिन प्रभुपाद ने नरोत्तम बनाने के लिए अवसर दिया है। वी आर ऑन द पाथ ऑफ परफेक्शन। तो अभी लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हम नरोत्तम हो गए हैं, नरोत्तम दास बने हैं, नरोत्तम नहीं है। तो नराधम यहाँ पे 99.9.9 मतलब अभी हम क्या इतने सारे हैं, तो क्या हम इतनी करोड़ जनसंख्या है, तो मान लो 150 करोड़ संख्या जनसंख्या है, उसमें 99.9 करेंगे तो कितना कितने कितने हाथ में आएंगे करोड़ में, तो 1000 100 हजार ऐसे आएंगे, नंबर आएंगे। तो फिर उसमें सब व्यक्ति नराधाम में आ जाएंगे, लेकिन हमको दुख नहीं होना कि नराधाम है नराधाम है, कह के अपने आप को, और हमको नराधाम से उत्तम बनना है। तो इस प्रकार से उत्तम कैसे बनेंगे, भक्ति को जब सीरियसली लेके भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद ने मौका दिया है नरोत्तम बनने का, नरोत्तम दास बनने का, इस प्रकार 99.1। आगे पढ़िए प्रभु। जब सारी जनसंख्या निराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण कुत्ता गाय हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसे ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा माधाई नामक विशिष्ट नराधम को उद्धार किया और यह दिखलाया दिया कि इस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावना को प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो नराधाम का उद्धार केवल भगवान के भक्तों की कृपा से हो सकता है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही जो ब्राह्मण कुत्ता गाय हाथी चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो हमको देख, हम कभी कभी हमारे भक्त का भेष हो जाता है, भक्त का वेश, भक्त का ड्रेस, भक्त का एड्रेस, लेकिन भक्त की चेतना नहीं रहती है। तो कब भक्त का ड्रेस का अच्छा है, एड्रेस भी अच्छा है, लेकिन वास्तविक भक्त ड्रेस और एड्रेस से नहीं होता है। भक्त किससे होता है? भक्त ड्रेस और एड्रेस से नहीं है। भक्त भक्त किससे होता है? भक्त किससे होता है? साधु किससे होता है? कॉन्सियसनेस से। साधु की पहचान कॉन्सियसनेस। साधु को पहचान नहीं होता है क्या कपड़ा पहनता है साधु, कौन सा लाल पहनता है, पीला पहनता है, सफेद पहनता है। साधु को भागवतम में क्या दिया है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनम अजात सत्रा शांता साधु 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 भूषणम। साधु का भूषण यही रहता है, तितिक्षवा सुहृद, बेस्ट सुहृद, सबका सुहृद होता है। ओ अपना पराया नहीं, अपने वालों के लिए, अपने वालों को अंदर कर लो, बाहर वालों को छोड़ दो, उसके लिए अपना पराया नहीं होता है, उसके सब होते। आयम निजा परो वित्ती गणना नाम लघु चेतसाम। जो आयम पर ग्रुपिज्म नहीं होता, ग्रुपाज्म। तो अभी हम सब देख सकते हैं कि हमको मौका मिला साधु बनने का, ड्रेस है एड्रेस है, लेकिन चेतना से अभी दूर है हम। तो चेतना भी हमको धीरे धीरे ऐसे ला के, धीरे धीरे समान चेतना भी जब आएगा तो इस प्रकार से विद्वान बनेंगे, साधु बनेंगे। तो ये सब नराधम की कैटेगरी आता है, यहाँ से नराधम कैसे, लेकिन भगवान द्वारा जो बहिष्कृत किया है वह केवल भक्ति ही की अनुकंपा से पुनः आध्यात्मिक भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। आगे पढ़िए।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्कृति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश ये इस संदेश को सुनता तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की जाकर उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नराधम इसको उद्धार कैसे हो सकता है, उसको श्रवण करना चाहिए। कैसे श्रवण करना चाहिए? विनीत भाव से श्रवण करना है। तो सबमिसिव ओरल रिसेप्शन, तो ये प्रकार से है। तो सारग्राही जनार्दन प्रभु, पढ़िए आगे, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी। तो ये दो श्रेणी हो गई, एक मूर्ख की श्रेणी, मूर्ख मूर्ख, दुष्कृतियों दूसरा। की हाँ हाँ पढ़िए। तीसरी श्रेणी माया पहित ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महादार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय मायापयाप हितक ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवद गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। भगवद गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्म के भी पिता बनाए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं, और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्सव उत्स हैं, और सबों के सलाह ही सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद वे माया पहितज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्रीमन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत रूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध शाखाएं जो माया पर ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्य को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। धन्यवाद चौथा प्रभु। तो रुकिए, तो आगे सचिनंदन प्रभु, आपके साथ दूसरे प्रभु जी का नाम में भूल गया। आप प्रभु जी का नाम क्या है? हाँ सुदामा सखा प्रभु, सुदामा सखा प्रभु, सुदामा सखा प्रभु। सुदामा सखा प्रभु, आप पढ़ेंगे? सुदामा तो आगे पढ़िए। गीता गीता की ऐसा सारी अवैध व्याख्याएं। नहीं, दुष्कृति, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी, चौथा। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी असुर भावाश्रिता अर्थात असुर सिद्धांत वाले की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक नास्तिक होती है। इनमें प्रभु से जी थोड़ा कुछ शायद करते आप हैं। किसी को दे सकते हैं, स्पीड बहुत कम है। ललित कृष्ण प्रभु आप कंटिन्यू कीजिए, पढ़िए। मधुशेष प्रभु आप भी पढ़ेंगे, रेडी है ना? हाथ खड़ा कीजिएगा, रेडी कर। ओके ओके हाँ, तो ललित कृष्ण प्रभु पढ़िए, बाद में मधुशेष प्रभु पढ़ेंगे। हमको इतना पढ़ना है, फास्ट भी पढ़ना, स्पष्ट भी पढ़ना है,
और लोगों को सुनाई भी दे और उस प्रकार से एक स्पीड से। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुर भाव माश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पिक अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलमबंदर ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त है, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव एक मूढ़, दूसरा नराधम, तीसरा माया पहत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा चौथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे कि हाँ इतर तो यहाँ पे चार प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ, तो कोई जो है भगवान की शरण में जाते। चार प्रकार के कौन से? तो दुष्कृतनी, मूढ़ा, नराधमा, मायाप्रद ज्ञाना और आसुरी भाव, जिन्होंने असुर भाव को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से तो ये लोग जो यहाँ पे नहीं जा पाते हैं, नहीं शरण नहीं ले पाते हैं। अभी हम बलदेव विद्याभूषण देखेंगे वो क्या बोलते हैं इस प्रकार से इन इनके बारे में। एक मिनट, हाँ तो बोलते हैं तो ये यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण से पूछते हैं, इफ दोज हु सरेंडर टू यू अटेन लिबरेशन, व्हाई अदर्स इवन लर्नेड पर्सन डू नॉट सरेंडर टू यू। यदि कोई व्यक्ति आपके शरण में हो तो मुक्ति मिल जाएगी, तो बड़े बड़े विद्वान लोग क्यों शरण नहीं ग्रहण करते? तो उसका उत्तर में भगवान बोलते हैं, दोज हु नो द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चर, कृतिना, आपका कृतिना मतलब जो शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र के मतलब को जानते हैं। लेकिन दुष्कृतिना का मतलब है दोज हु मिस यूज नॉलेज डू नॉट सरेंडर। दुष्कृति का मतलब जो है यहाँ पे बताया है जो शास्त्र के ज्ञान को दुरुपयोग करते हैं। तो चार प्रकार के लोग हैं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया वन टाइप, तो माया के मोह में प्रभाव में रहते हैं, एक प्रकार के होते हैं मूर्ख, जिनको मूढ़ा बोलते हैं। तो मूढ़ा का मतलब क्या है यहाँ पे बता रहे हैं, मूढ़ा का मतलब है एब्जॉर्ब कंप्लीटली इन मटेरियल एक्टिविटीज, केवल भौतिक कार्यों में डूबे रहते हैं। और क्या सोचते हैं, जो कृष्ण है, जो विष्णु है, वो इंद्र और दूसरे देवताओं के जैसे हैं, और अटेनेबल पाए सेक्शन, और मैं भी एक जीवा हूं, और ऐसे मैं कर्मों के द्वारा मैं कर्म के प्रभाव में रहता हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं, उनको भी अपना कर्म का फल मिलता है। देखो कृष्ण एक की परिवार में लड़ाई कराया तो खुद की परिवार में लड़ाई हो गई। तो ये जो ऐसा बोलते हैं, तो देखो राम आए, उनकी पत्नी चोरी हो गई, क्या कर्म का नियम है। तो इस प्रकार से जो ऐसा चेतना वाले हैं वो भी मूर्ख है, ये मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आता है नराधम। नराधम का मतलब कौन है? जो कि बड़े ऊंचे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में ले पैदा हुए हैं, लेकिन वो जो है भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। नर मनुष्य ऐसे लोग को नराधम बोला गया है।
और दूसरे अदर सच सांख्य है देयर नॉलेज, और कुछ लोग हैं जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और उस प्रकार से जो माया को ही सब कुछ मानते हैं, तो इस प्रकार से। और कुछ लोग होते हैं जो असुर स्वभाव वाले होते हैं, और असुर स्वभाव वाले जो होते हैं अपनी खुद की एक सिद्धांत बना लेते हैं, अपनी फिलॉसफी बना लेते हैं। जस्ट डीमंस पियर्स देयर एरो माई बॉडी विच गिव्स एवरी वन एल्स ब्लेस, दिस पर्सन ब्रेक माई बॉडी यूजिंग लॉजिक विद स्टेटमेंट सच एज गॉड हैज नो क्वालिटी। भगवान बोल रहे हैं कि जो असुर लोग जैसे मेरे शरीर पर बाण चलाते हैं, वैसे कलयुग में जो असुर लोग होते हैं अपने बोली से, अपने मुंह से बाण चलाते हैं, और क्या बोलते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, ऐसे लोग असुर स्वभाव वाले बोले गए हैं। अभी चार प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं, तो चार प्रकार के लोग कौन शरण में आते हैं उस प्रकार से, तो मधुश्रेष्ठ प्रभु आप बोलिए, पढ़िए। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये यहाँ पे शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं सोचते हैं शुद्ध भक्त, ये चार प्रकार के लोग भी आते हैं, तो ये अलग अलग हेतु से आते हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं, अन्य विलासता शून्यम के भक्त नहीं है कैटेगरी। तो इस प्रकार से सुकृतवान है, ये पुण्यवान है, तो पुण्यवान है, एक दुष्कृति है एक सुकृति है। तो किसी न किसी प्रकार से, किसी न हेतु से यदि कोई भगवान के पास आता है तो वो सुकृतिवान है, और दुष्कृति मतलब वो भगवान के पास किसी प्रकार आते ही नहीं कभी। तो ये शुद्ध भक्त की कैटेगरी के बारे में नहीं बोला गया। तो आप पढ़िए, तत्पर पढ़िए प्रभु। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतन कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। हाँ, तो शुद्ध यहाँ पे भक्त जो कैटेगरी जो दिया है, ये ऐसा नहीं सोचना चार प्रकार के लोग आते हैं तो वो शुद्ध भक्त है। तो प्रेम प्रकाश प्रभु आप रेडी रहिए पढ़ने के लिए आगे। तो उसमें तो चार प्रकार के लोगों के यहाँ पे जो है जो कैटेगरी दिया है, तो ये जो है शुद्ध भक्तों के नहीं है। अभी पढ़िए, अभी हाँ कंटिन्यू कीजिए। मधुश्रेष्ठ प्रभु, मधुश्रेष्ठ प्रभु के बाद प्रेम प्रकाश प्रभु पढ़ेंगे। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। अभी अभी आगे जो है तो इस प्रकार से आगे पढ़िए प्रेम प्रकाश प्रो। जब ये चार प्रकार के लोग और लिटिल परमेश्वर, लेट, थोड़ा तेज से पढ़िए, आवाज आवाज थोड़ा तेज। मैं तो वो आवाज पर प्रॉब्लम है, आवाज प्रॉब्लम। पढ़ू? हाँ पढ़िए। यस प्रो, मैं पढ़ू? हाँ ललित किश प्रो कौन? हाँ यस हाँ यस। प्रो, जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से परिपूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है,
उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं जो बिल्कुल हताश है, और वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार के ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सारोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लागना होता है। तो अभी हमारे जीवन में भी यह चीज आएगा, और यहाँ बोल रहे हैं कि हम भी संसार अभी आए, भगवान के पास आए हैं, तो कुछ ना कुछ हेतु से आए हैं भगवान के पास। आप सोच सकते हैं कि आप पहली बार आए थे तो क्या चाहिए था। तो कुछ लोग बीमारी से ठीक होने के लिए आए, कुछ धन की अपेक्षा के लिए आए, कुछ लोग अमेरिका जाना चाहते थे, अमेरिका जाने के लिए आए, कुछ लोग कुछ करने जाते थे, जो भी आए। लेकिन कुछ लोग जिज्ञासा था, जिज्ञासा के कारण से आए। कुछ लोग कैसे आए, ज्ञानी लोग बहुत कम आते हैं। ज्ञानी का मतलब ये नहीं है, जिज्ञासा करने का अलग है, ज्ञानी एक अलग है। ज्ञानी के बारे में भगवान बताएंगे आगे। तो वास्तव में ये, लेकिन ये सब अवस्थाओं को पार करके हमको शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचना चाहिए, और मनुष्य को इन सबों को लांघना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आगे सच्चिदानंद प्रभु रेडी रहिएगा पढ़ने को। 17, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट। आप थोड़ा सा बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं देखते हैं, उसके बाद। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, 4 प्रकार के लोग नहीं आते, देन हु सरेंडर्स टू यू, आपको आपके शरण में कौन आता है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, दोज हु आर एक्चुअली लर्नेड, सुकृतिना, who engage in the designated activities according to वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम में रहते हैं, अपने कार्यों करते हैं, जो उनको मेरे प्रति प्रेम करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, वो लोग आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं आर्त, आर्त का मतलब जो है दुखी, पीड़ित रहते हैं। किससे, सच एज पेन फ्रॉम एनिमीज, शत्रुओं से जो दुख आता है, दे डिजायर टू इलिमिनेट दैट सफरिंग, ऐसे लोग कुछ कष्ट मुक्त है। तो ऐसे लोग कैटेगरी कौन है, तो आर्थ में कौन आया, उसका उदाहरण है गजेंद्र। गजेंद्र आर्थ में आया। दूसरा कैटेगरी है जो आत्मा और शरीर में भेद जानना चाहते, जिज्ञासा करते हैं, वो सौनक आदि ऋषि आते हैं। और तीसरे में अर्थार्थी, धन की इच्छा में आते हैं, ध्रुव महाराज। अज्ञानी के इसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, जो आते हैं सुखदेव गोस्वामी, और जो है चातुष कुमार, तो इस पर ज्ञानी के कैटेगरी में आते हैं अभी। तो यस, पढ़िए। तेषां ज्ञानी इत्युक्तौ एकः भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो मध्यतमाम् सोचे मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। अलग तत्र पढ़िए। यस,
भौतिक इच्छाओं के समस्त कर्म से मुक्त आर्थ जिज्ञासु अरहिन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वो भगवान के कथानुसार कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्थ जिज्ञासु भगवान का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वो व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिस भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वो भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कर्मश उसे छू भी नहीं सकता। तो कल्याण प्रभु रेडी रहेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं, चार प्रकार के लोगों के बताएं, उसमें ज्ञानी का बता रहे हैं कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ इन चारों में से। और यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि चार वर्गों में ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है? कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अभी आप लोग को अनुभूति हो रही है? आप लोग को क्या अनुभूति होती है? हमारे जीवन में भक्ति में करते करते एक अनुभूति होनी चाहिए। तो क्या अनुभूति होती है? प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता का एबीसीडी है। क्या एबीसीडी है भगवत गीता का? एबीसीडी क्या है भगवत गीता? एबीसीडी है। उस भगवत गीता में एबीसीडी में एबीसीडी क्या है? क्या जानना? हाँ, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा अभी है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग को कितनी बार लगता है आप माता जी के शरीर में हो? माता जी हो, माता जी हो, प्रभु जी नहीं माता जी हो। कितनी बार लगता है? दिन में कितनी बार ख्याल आता है मैं माता जी हूँ, माता जी हूँ? बोलिए, कितनी नहीं बार आता है। ख्याल? नहीं आता। बहुत अच्छा है, नहीं आता, एक भी बार नहीं आता ना। आप हाँ जितना जी सही, जितना सही ये है आप माता जी नहीं हो, उतना सही ये भी है आप प्रभु जी भी नहीं हो। लेकिन अभी याद आता मैं प्रभु जी हूँ, प्रभु जी हूँ, या ये आता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। ये ठीक है, ब्रह्मचारी आर्डर है, वर्णाश्रम है, लेकिन ये ब्रह्मचारी भी नहीं, वो आत्मा याद चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, अंश हूँ, अंश हूँ पहले। तो वो आता है कि नहीं आता? तो वही अभी भक्ति भी कर रहे हैं, तो भक्ति उपाधि के साथ ही हो रही है भक्ति। अब भक्ति क्या है वास्तव में? भक्ति की परिभाषा क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवृत्ति निर्मलम। तभी हमको जब प्रभु जी है, मैं माँ प्रभु जी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं हूँ वो हूँ, वास्तव में शरीर की उपाधि से ही पहचान बना रहे, आत्मा की के साथ नहीं कर रहे। तो आत्मा का तो विचार तो आना चाहिए थोड़ा बहुत। आत्मा का विचार एक ही बार आता है। कब आता है? जब हम क्लास देते हैं तब बोलते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, वो भी नहीं बोलते हैं। दुनियादारी खबर बोलते रहते हैं, यहाँ ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, इधर ही चल रहा है, यहाँ उल्टा पलटी हो रही है, हो रहा है। आत्मा का शब्द नहीं आता, आत्मा परमात्मा आते नहीं है। और आत्मा की आ भी जाए एक दो चार शब्द तो ठीक है, अब क्लास बस में रहता, क्लास के बाहर भूल जाता है आत्मा। तो आत्मा का विचार 24 घंटा होना चाहिए, 24 घंटा होना चाहिए आत्मा। और आप कॉन्सियस बींग है, ये आप लुथड़ा नहीं शरीर का, ये 5 फीट 6 फीट 10 फीट ये गाड़ी में है, लेकिन गाड़ी से पहचान नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा का पहचान हो जाएगा तो इसका मतलब नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं देना। शरीर को ध्यान देना है, लेकिन जिस प्रकार से कोई गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाता है तो वो समझता है कि मैं गाड़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गाड़ी का ध्यान करता है ना, टायर में हवा डालता है, पेट्रोल डालता है। तो ऐसे नहीं कि ये जानना हम आत्मा नहीं है, आत्मा है शरीर नहीं, तो ऐसे खाना पीना बंद, सोना बंद, ये नहीं। वो सब चीज ध्यान देता है, लेकिन उसको विचार, उसको जानकारी रहती है कि शरीर शरीर का ख्याल रखना है, लेकिन मेरा मुझे ख्याल रखना नहीं, शरीर ख्याल, शरीर एक गाड़ी। तो उसी प्रकार से आत्मा का बोध होना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं
धीरे धीरे व्यक्ति को ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है, पहला। और उन्नति करेगा तो उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, और उन्नति करेगा ईश्वर के नित्य दास के रूप में स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। तो ये हमारे जीवन में जर्नी है, ग्रेजुअल जर्नी है, तो आएगा, ऐसा सडन नहीं हो जाने वाला, चमक चमक धमक ऐसे कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा। तो ये अभी देखना चाहिए कि हम जर्नी में कहाँ पे हैं, हमारी जर्नी में कहाँ चल रहा है क्या। तो इस प्रकार से है, ऐसा नहीं कि रात में सोया सुबह उठे सब पता हो गया, चिराग जल गया, ऐसे नहीं होने वाला है, ग्रेजुअली होने वाला है। जैसे सूरज उदित होता है तो धीरे धीरे उगता है, धीरे धीरे उगता है, ऐसा नहीं एकदम लालिमा धीरे धीरे आती है, अंधेरापन धीरे जाता है। उसी प्रकार हम सारे जीवन में भी ऐसे ही आनेगा। तो इस प्रकार से तो ये विचार, ये परिभाषा और ये बेसिक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये साक्षात्कार मृत्यु के समय आना चाहिए। मृत्यु के समय नहीं, मृत्यु के पहले आना चाहिए, जीवन में आना चाहिए। जीते मरते समय मैं शरीर नहीं आत्मा हूं समझने से क्या फायदा, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं तब आया तो क्या। अरे शरीर नहीं आत्मा समझ के सेवा करना है तब तो भक्ति होती है, तभी तो भक्ति होती है। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचते, वहां से होती है। अभी हमें प्रसन्न आत्मा नहीं है, हमें परेशान आत्मा है। कौन सी आत्मा है, एक दो प्रकार की आत्मा होती है, प्रसन्न आत्मा और एक होती है परेशान आत्मा। अभी हम कौन सी आत्मा है हमको पूछना चाहिए, परेशान है कि प्रसन्न है। तो प्रभुपाद बोलते हैं यदि हम प्रसन्न नहीं है एवं प्रसन्न मनसो, यदि प्रसन्न मन नहीं है तो हम माया के द्वारा अटैक हो गया है, हमको माया ने अटैक कर दिया है। तो इस प्रकार से तो इसलिए परेशान हो जाते, इसलिए हर बोलते हैं मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, परेशान हूँ प्रभु जी, परेशान हूँ, परेशान हूँ। बहुत कम बोलते हैं मैं प्रसन्न हूँ प्रभु जी, मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्न दास लिखा रहेगा, प्रसन्न दास, प्रसन्न दास, लेकिन प्रसान परेशान प्रभु रहेंगे। तो भक्ति परेश अनुभव, भक्ति परेशानी अनुभव नहीं होना चाहिए। अभी भक्ति परेश अनुभव, विरक्ति अन्यत्र चतरिक कला। तो अभी हम भक्ति में आने के बाद परेशानी आ रही है, परेशानी वो परेशानी, तो उसका मतलब है अभी ब्रह्म भूत है। हाँ समस्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या हो सकती, समस्या को भी हल करना है, लेकिन उसके लिए रोते रहे परेशान परेशान नहीं, रोना एक अलग होता है, समस्या को हल करना एक अलग होता है। तो इसलिए ब्रह्म भूत ये हमारे जीवन में अनुभव आना चाहिए। जैसे मैं आपको प्रश्न पूछा कितनी बार आप माता जी हो याद, तो नहीं आता माता जी याद, तो उतना सच्चाई जितना इस सच्चाई की माता जी नहीं हो, उतना सच्चाई ये भी है हम प्रभु जी भी नहीं है। प्रभु जी हम हैं, भगवान के अंश है, आत्मा है, और टाइम प्लेस सरकमस्टेंस से परे हैं, देश काल पात्र से परे हैं, हम बदलते नहीं हैं, शरीर बदल जाता है, उम्र बढ़ती घटती है, लेकिन हमारा ना तो उम्र बढ़ता ना घटता है, और हम ना तो बीमार पड़ते हैं, शरीर बीमार पड़ता है। तो शरीर और शरीर से हम हटके हैं, तो ये ज्ञान भी होना चाहिए, ये तो थोड़ा बहुत ये होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से विचार ऐसा आना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो तब धीरे धीरे वो और आगे बोले, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति के द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है। तो और भौतिक कलमश भी उसे छू भी नहीं पाते, तो उसे भौतिक कलमश, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्यों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और अपने जीवन में ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिया है और हो गया, नाम के लिए पढ़ लिया है। तो प्रभुपाद ने सारा चीज तब दे दिया है, कैसे निकलना है, कैसे अनुभव, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रभुपाद महान भक्त है, प्रभुपाद सेल्फिलाइज्ड है, केवल प्रभुपाद, हमको भी सेल्फिलाइज्ड बनना है, सेल्फिलाइज्ड सेल्फिलाइजेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। अभी देखते हैं बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं, इसके बाद फिर हम प्रश्न क्वेश्चन आंसर लेंगे, जिसको कुछ क्वेश्चन है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से Among these four ज्ञानी is considered best. He is best because he is नित्य युक्ता एंड एक भक्ति। तो ज्ञानी को बेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि नित्य युक्त है और उसका गोल एक भक्ति रहता है। Having given up desire such as getting relief from suffering, वो कष्ट से अर्थ या ज्ञान जिज्ञासा या serving me constantly, नित्य युक्त, नित्य युक्त का मतलब जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। The other engage service as long as they attain their desire. दूसरे लोग सेवा कब तक करेंगे भगवान की,
जैसे चार प्रकार के लोग आते हैं, तो भगवान के पास कब तक आएंगे दूसरे लोग? जब तक उनका इच्छा पूर्ति नहीं हो, इच्छा पूर्ति हो गए चले जाएंगे। अर्थ, अर्थ मतलब उसका कष्ट दूर हो गया, मंदिर में आना बंद कर देंगे। अर्थ अर्थार्थी, धन मिल गया, मंदिर में आना बंद कर देंगे। जिज्ञासु, जिज्ञासा पूरी हो गई, बंद कर देंगे। लेकिन ज्ञानी नहीं बंद करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे? क्योंकि वो नित्य युक्त है और एक भक्ति उनका गोल होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं इनमें से ज्ञानी बेस्ट है और मुझे प्रिय है। तो इस प्रकार से, और आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ लव फॉर ज्ञानी, और मैं ज्ञानी का जो प्रेम का विषय मैं हूं। ही इज द इमर्स इन नेक्टर ओशन ऑफ लव फॉर मी, और वो भी मेरे प्रेम में डूबा रहता है। डज नॉट सीक एनीथिंग एल्स। अत्यर्थ का मतलब है बहुत ज्यादा। इंडिकेट ही लिमिट्स हिमसेल्फ ओनली टू लव ऑफ मी, मतलब केवल मुझे प्रेम करता है। इस प्रकार से तो भगवान बोलते मैं भी उसको प्रेम करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं आदान प्रदान करता हूँ। तो ये तो यहाँ पे है। आगे अभी हम प्रश्न पूछेंगे। किसी को अभी तक चर्चा कर रहे थे, कुछ जिज्ञासा है, कैसा लगा, क्या है? आप 5 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए पहले, उसके बाद अभी हाथ नीचे कर लीजिए। रीडिंग के लिए जो हाथ खड़ा किए थे नीचे कर लीजिए। और पुट डाउन योर हैंड्स एंड रेज हैंड ओनली फॉर क्वेश्चंस। यस कल्याण प्रभु, प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, प्रश्न है। पहला यस प्रश्न ये प्रभु, था, ये श्लोक के ऊपर दो प्रश्न है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोले सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी को कैटेगरी करके ज्ञानी में कुछ बोले, तो वो पोर्शन थोड़ा मिस हो गया। क्या वो आप रिपीट करेंगे प्रभु जी? तो चार कैटेगरी बताए थे ना, तो जे अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भक्तर्षो। तो अर्थो अर्थार्थी, हरे कृष्ण क्लास में है, बाद में फोन कर। तो जिज्ञासु ज्ञानी च भक्तर्षो, तो इस प्रकार से तो अर्थ, अर्थ मतलब जो है कष्ट में था, तो कौन आया भागवतम में? तो उसका क्या कहते हैं, गजेंद्र का है। अर्थार्थी धन की इच्छा थी, किसका था? ध्रुव महाराज। जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि लोग महाराज जिज्ञासा किया। और जो और ज्ञानी वो है चतुष्कुमार। ये इस प्रकार से ठीक है। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, जिज्ञासु और मैं ये पूछ रहा था ये श्लोक में जो जिज्ञासु और ज्ञानी के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिज्ञासु और ज्ञानी के बीच में डिफरेंस क्या है? जिज्ञासु का, जिज्ञासु जिज्ञासा करता है और पूछता रहता है, ओ जिज्ञासा मैं कौन हूँ, शरीर क्या है। ज्ञानी को मतलब पूरा ज्ञान हो जाता है, ओ मुझे भगवान की सेवा करना, भगवान का दास है। जिज्ञासु को पता नहीं होता है ये कहाँ से आया, संसार कहाँ से आया, ये आसमान है, तारे देखता है, शरीर देखता है, मृत्यु क्यों होती है, क्या होता, जिज्ञासा करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करना अलग है। ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है, ज्ञान करता है, ज्ञान के अनुसार भक्ति में लगता है। तो इस प्रकार से ठीक थैंक यू प्रभु। है। और एक छोटा सा प्रश्न था। मैं बोलता हूँ, जब वहाँ पे उठा ना वो गधा मेहनत कर रहे दिन भर, 12-13 घंटा मेहनत कर रही है, 2-3 श्लोक पहले जो जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते, तो नहीं आते कहने का अर्थ ये है कि भगवान उनको बुद्धि दे रहे फिर भी वो भगवान के बुद्धि को नहीं ग्रहण करके भगवान के पास नहीं आ रहे, या भगवान उनको बुद्धि प्रदान नहीं कर रहे और वो नहीं आ रहे इस तरीके से? क्योंकि जीव का जो फ्री विल है, क्या वो भगवान की इच्छा के ऊपर काम कर रहे या उसके मतलब अंतर्गत काम कर रहे, ये थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं हमारे पास नहीं आते, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान जैसे मतलब असमर्थ है उनको बुलाने पास, अपने पास ऐसा मतलब लग रहा है, तो ये थोड़ा नहीं सा नहीं नहीं क्लियर नहीं आप हो रहा प्रभु जी। उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। वाई और प्रकार की कैटेगरी के लोग नहीं आ पाते हैं, वो नहीं आ पाते इसलिए कि भगवान नहीं बुलाते उनको, या भगवान लेना नहीं चाहते हैं, वो अपने कारण से नहीं आते। भगवान के रास्ते तो सबके लिए खुले, मंदिर, लेकिन वो अपनी चेतना उनकी ऐसी है, अपने विचार ऐसे, बुद्धि है, भगवान बुद्धि देना चाहते हैं वो लेना, तो अपने उसमें डूब के कारण से नहीं आते। अपने कवरिंग अपने आप को ही डाल दी, जैसे कोई व्यक्ति सूरज के प्रकाश में है, सूरज का प्रकाश खुला है लेकिन कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है, तो अभी सूरज का दोष है क्या इसमें? तो कंबल, कंबल ओढ़े निकालेगा, कमरा से बाहर आएगा तो वो आ सकता है ना,
उसी प्रकार से है। तो ऐसा नहीं कि भगवान बुद्धि नहीं देते हैं, भगवान नहीं लाना बुलाना चाहते। ओके सचिनंदन प्रभु, थैंक यू यस प्रभु, थैंक यू हरे कृष्ण। सचिनंदन प्रभु, यस प्रभु, हरे कृष्ण। यस प्रभु, कुछ प्रश्न है आपका? प्रश्न तो है, जो भगवान को भक्ति नहीं करते चार प्रकार का, हाँ ये चातुर्वर्ण्य माया शिष्ट गुण कर्म विकारक, इसी हिसाब से वो नहीं आते। हाँ आप क्या बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहे हैं या आप कुछ बता रहे हैं हमको, क्या कर रहे हैं आप, हम समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें जो नहीं आते हैं इनका कारण यही है क्या? क्या जो कर्म गुण का प्रभाव से वो नहीं आ पाते। हाँ, हाँ उनका कर्म गुण के कारण से नहीं आ पाते। यस यस यही पूछ रहा था। श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु, यस बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जो हरे आर्त कृष्णा। के रूप में दुखी रूप में आते हैं, आर्त रूप में आते हैं, जैसा कि गजेंद्र का उदाहरण है, तो कुछ समय बाद भगवान उनकी दुख को कष्ट को दूर कर देते हैं, लेकिन यस पुनः उस तरह की चेतना नहीं रहती, उस प्रकार का फिर से वो भगवान का शरण नहीं ले पाते हैं, फिर से डगमग होने लगते हैं। जबकि बहुत आर्त में आते हैं, भगवान निश्चित रूप से उनके आर्त को दूर भी करते हैं, इस तरह गजेंद्र का दूर किए, लेकिन हम लोग हाँ उस तरह नहीं रह पाते हैं कि कष्ट दूर हुआ फिर सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, कह रहे चलो हो गया हो गया, इस तरह का भावना आती है, फिर ठीक से हाँ तो भक्ति वही नहीं तो होती। बताना चाहते हैं, वही तो बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा भक्ति करना उद्देश्य नहीं होता है, हमारा उद्देश्य होता है दुख से छुटकारा पाना। अब डॉक्टर को ठीक होने के बाद कितने लोग फोन करते हो, डॉक्टर जी थैंक यू, मैं ठीक हो गया, चलो अभी अगली बार अगले वीक में आएंगे, मिलने के लिए आएंगे, आप हमारे घर में आइए। डॉक्टर से कितनी बार आप मिलते हो ठीक होने के बाद, बीमारी के पहले नहीं है, बहुत कम हार्डली बोलते हैं, इसलिए काम हो गया खत्म, स्कूल में डिग्री हो गई, अब फिर टीचर से मिलने कितनी बार जाते हैं। तो ये सब सेल्फिश है, भौतिक इच्छा है, ये शुद्धता नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये जो चार प्रकार के लोग, शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त कैटेगरी नहीं है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि हम नहीं आ पाते, उतना नहीं रहता है, दुख के समय रहता है, तभी हम शुद्ध भक्ति कैटेगरी में नहीं है, ये जानना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो जब शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आएंगे, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तब ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, यस विवेक प्रभु, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी पूछिए। हरे कृष्ण आप लोग आवाज इतना आ रहा टाइम कुछ? क्यों लगाते हो, ये टाइम पास है क्या है, ये आवाज हाथ आ रहा खड़ा कर। प्रजी? हाँ पूछिए। जी ये कह रहे हैं कि जो चार तरह के भगवान बता रहे हैं, तो उसमें से जो आप पहले भी अपना बता। वीडियो ठीक कीजिए, वो नहीं तो वीडियो बंद कीजिए, डिस्ट्रैक्ट होता है आपका, कई चेहरा आंखें दिखती बस, और ये तो वीडियो ऑफ करो। चार तरह के जो भक्त बता रहे हैं भगवान, तो उसमें से जो भी भक्त भक्ति में आते हैं, तो वो अपने आप को कैसे समझ पाएंगे कि हम कौन से कैटेगरी में हैं? फिर जी कैसे अपने आप को समझ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं समझ सकते हैं, अब दुखी है तो दुखी कैटेगरी में समझ सकते हैं ना, मुझे धन चाहिए तो धन के समय नहीं समझ सकते क्या, मुझे धन चाहिए तो आप नहीं समझ पाओगे क्या? आप दुखी हो भगवान के पास आ रहे हो तो आप दुखी हो तो क्यों, इसमें समझने में क्या अड़चन है? या आप नहीं समझोगे दूसरा कोई बता देगा आपको, टेंशन है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो देख के बता देगा। ओके ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ललित किश प्रभु आगे पढ़िए, अगले वर्ष। सर्व एते सर्वदा ललित किश प्रभु हेलो। हाँ बोलिए। ये पढ़िए आप। 18वां श्लोक है ना? हाँ 18वां, 18वां। हाँ। उदारा सर्व एवेते ज्ञाने त्वामेव मे मतम आस्थित स हि उक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम।
निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य, ऐसा नहीं है कि जो काम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में 4वें अध्याय में 68वां श्लोक भगवान कहते हैं, साधो हृदय महासाधुना हृदय त्वं मदन मदन्नते न जानन्ति नाहतेभ्यो मनागतिपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिशय और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे बोले उदारा बोले, कोई भी भगवान के पास आता है महात्मा है, उदार है। तो यहाँ पे श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु आगे रेडी रहेगा पढ़ने को। तो यहाँ पे जो भी आते हैं भगवान उदार बोलते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान उनको बहिष्कृत करते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सुज्ञानी का मतलब यह है कि वो कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, 24 घंटा भगवान के बारे में सोचता है। और जो जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान के बारे में सोचता है, तो फिर भगवान का भी फर्ज बनता है ना कि 24 घंटा सोचेंगे। तो ये भगवान ए यथा माम प्रपद्यन्ते जैसे होता है, तो इस प्रकार से भगवान को, तो भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ। तो मैं ही हूँ का कैसे समझना चाहिए, मतलब इसका महत्व बताया। जैसे कभी कभी बोला जाता है ना, जल ही जीवन है, आपने सुना होगा जल ही जीवन है। तो क्या जीवन जल है? क्या जीवन जल है क्या? लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, जल ही। तो इसका मतलब जल का महत्व तो बताया जा रहा है कि जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जैसे बोला जाता है घी ही जीवन है, घृत एव जीवनमस्य। तो घी जीवन, तो घी क्यों जीवन है, क्यों जीवन है? क्योंकि घी इतना महत्व है हमारे जीवन में। तो इसी प्रकार से द ज्ञानी ही मैं हूं ऐसा बोल देते हैं भगवान। मतलब इतना भगवान से जुड़ा हुआ है, इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने आप उसको, अलग अपनी पहचान। कभी कभी बोलते देते हैं, जैसे कोई मित्र है बोल देते हैं मेरा जान है, मेरे जिगरी यार जान है मेरा। और वो जान है क्या? जान तो आपका आत्मा अंदर आपके शरीर में है, प्राण है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं जान। तो इतना इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये कहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञानी भक्त का वहां पे बता रहे हैं। और उदाहरण नो इट इज नॉट सो। तो यहाँ पे देन द फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ वर्शिपर डू नॉट हैव अफेक्शन फॉर यू। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ये जो तीन प्रकार के लोग हैं, क्या आपसे प्रेम नहीं करते? तो भगवान क्या बोलते हैं, नो इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। आई हैव सेड ज्ञानी होल्ड्स मी एक्सीडिंगली डियर। ज्ञानी मुझे बहुत प्रेम करते हैं मुझे। तो उदार के बारे में बता रहे हैं, ज्ञानी होल्ड्स मेरी माई लाइफ एंड सोल, दिस इज ओपिनियन। ज्ञानी मेरे जीवन है कैसे, इसका मतलब है ज्ञानी का जो मन हमेशा युक्त रहता है और कुछ नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से अनुत्म, तो इस प्रकार से वन कैन नॉट प्रपोज दैट दिस लाइन मीन द लॉर्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ज्ञानी हु इज द जीवा, बिकॉज नो स्टेटमेंट शोइंग डिवोटी शेयर सेम रिजल्ट एज। तो ज्ञानी
कहने का मतलब भगवान ऐसा नहीं बोलते कि ज्ञानी और भगवान एक हो गए, यहाँ ही समझना चाहिए कि ज्ञानी द ज्ञानी इज कॉल्ड माई आत्मा ओनली बिकॉज माई एक्सट्रीम अफेक्शन फॉर हिम। ज्ञानी मेरी आत्मा है, इसका मतलब कि मेरा ज्ञानी के प्रति बहुत प्रेम है। और सिमिलर में जैसे हम बोलते हैं भद्रसेन इज माई वेरी सेल्फ, भद्रसेन मेरा आत्मा है, इसका मतलब है आत्मा मीन्स माइंड, और इसका मतलब ये भी है माई माइंड थिंक्स ऑफ हिम कॉन्स्टेंटली, और मेरा मन उसके बारे में हमेशा सोचता है। तो ये मतलब है, तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि ज्ञानी जो है ज्ञानी के बारे में भगवान हमेशा सोचते रहते हैं, तो इसलिए। लेकिन अभी ज्ञानी आते कौन है, कब आते हैं, तो ये बोलते हैं बहुत जन्म के बाद कोई इस स्टेज में आता है, बहुत जन्म के बाद। किसको पढ़ने को बोला था? श्री हरि हरे श्याम कृष्ण सुनिए। प्रभु। जय यस प्रभु, पढ़िए। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है, ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। हाँ, इस तो श्लोक यहाँ के पे रुके बस, तो ये यही चीज बताना चाहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद ये आता है। तो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है, सबके स्रोत है, उसकी चेतना हो जाती है। तो ये इस प्रकार से शुद्ध भक्त है, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ बन जाता है। तो इस प्रकार मधुशिष्ट को आगे पढ़िए, तैयार रहेगा पढ़ने के लिए। तो जस्ट मैं देखता हूँ विष्णु बलि दर्शन क्या बोलते हैं। बहु नाम जन्म, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ डिवोटी, अर्जुन पूछते हैं। ठीक है, आप सब बता दिया, ये फाइनल अंतिम परिस्थिति, अंतिम स्थिति क्या है भक्ति, इन प्रकार के भक्तों। तो भगवान बोलते हैं दीज थ्री बीइंग माय डिवोटी बाय द पावर ऑफ परफॉर्मिंग भक्ति टू मी आफ्टर एक्सपीरियंसिंग हायर हाईएस्ट हैप्पीनेस मटेरियल प्लेजर फॉर मेनी लाइव्स फाइनली वन बर्थ फाइंड दीज प्लेजर डिस्टेस्टफुल। तो बोल रहे हैं जो तीनों प्रकार के जो भक्त है, बाद में अलग अलग इच्छाओं से जो आते हैं, तो लेकिन बहुत समय के बाद उनको ज्ञान हो जाता है और मेरे भक्ति में करने लगते हैं। तो वन बर्स फाइंड दिस प्लेजर डिस्टेस्टफुल एंड बाय एसोसिएशन विद सेंटली पर्सन हु नोज माय स्वरूपा दे गेन नॉलेज ऑफ माय स्वरूपा, इस प्रकार से, और सरेंडर टू मी। तो ज्ञानवान बन जाते, बहुत जन्मनाम अंते ज्ञानवान। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सच पर्सन्स नॉलेज, तो उस व्यक्ति का ज्ञान क्या रहता है। ही अंडरस्टैंड दैट कृष्णा द सन ऑफ वासुदेव इज एवरीथिंग, ऑल थिंग्स एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन कृष्ण। एक कृष्णा एवरीथिंग का मतलब ये समझना चाहिए, हर चीज कृष्णा के, कृष्ण पर निर्भर है, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं हर जगह कृष्ण देखना चाहिए, ए सब कृष्ण है, ये सोचना है कि कृष्ण के अस्तित्व के बिना उसका कुछ अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार सिमिलरली पॉइंटेड, तो ये यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं। सच पर्सन आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ऑल मटेरियल डिजायर एंड एस्पायरिंग ओनली फॉर मी having generously dedicated his soul to me, offering his very self to me, Mahatma is very rare, even among millions of ज्ञानी। ऐसा जो कोई भगवान की शरणगति हो जाता है, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से होता है। Such person in knowledge, ज्ञानवान should be understood to be same as described seven। तो जो
ज्ञानिनो नित्यर्थम, ये प्रकार से बताते हैं। अभी ये ज्ञानी भक्तों के बारे में बताने के बाद अभी देवी देवताओं की उपासना के बारे में बोलते हैं। कुछ लोग हैं भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के पास नहीं आते। क्या सब लोग भगवान के पास आते हैं? चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं भगवान के पास नहीं आते। तो कौन नहीं आते भगवान के पास? तो दुष्कृति लोग तो नहीं आते, लेकिन कुछ लोग किसी और के पास जाते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं लेकिन और मंदिरों में जाते हैं। तो वो कौन लोग हैं, किस कारण से? तो 20वां श्लोक बताते हैं। मधुशिष्ट प्रभु, जी उसमें छूट गया ना थोड़ा सा। ना उसका जो उसको पढ़ लीजिए, वो ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा आप समझ नहीं पाएंगे, वो तो छंदो के मतलब का है। ठीक है, पढ़ लीजिए। तो अभी ये बहुनाम हाँ जन्मनाम अंतर ना 19वां श्लोक नहीं, 20वां, 20वां। 20वां। कामस्तय स्तर हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य पढ़ें। यस ब्रो, जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कर्म से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में 2:3:10 कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता। क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5.142 कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जिनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं तो वो सोचते हैं कि उनको ज्ञान नहीं होता कि भगवान के पास सब मिल जाएगा, ऑल इन वन कृष्ण, जैसे सुपर मार्केट है, जैसे माल होता है ना, तो माल के लिए अलग अलग, तो सुपर माल मार्केट में जाएगा तो सब मिल जाएगा। तो भगवान एक सुपर मार्केट है, भगवान के अकामा सर्व काम। लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी बाजारों में मार्केट में जाते हैं, तो इसलिए तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया कि कोई भी रहे व्यक्ति को देवताओं की उपासना करते हैं यहाँ पे। और यहाँ हम देखते हैं कामस्तद ज्ञाना, तो इसमें कुछ टीका दिया नहीं है। हाँ तो इट हैज जस्ट बीन दैट इवन दोज हु वर्शिप हिम विद मटेरियल डिजायर बिकम लिबरेटेड बाय पावर ऑफ डिवोशन टू मी। कुछ लोग भौतिक इच्छा से भी आते हैं लेकिन यदि भगवान के प्रति है तो वो शुद्ध हो जाते हैं। और विद डिजायर सच रिलीफ फ्रॉम सफरिंग दे बिकम डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंस।
लेकिन विद वेरियस डिजायर सच एज डिजायर फॉर लीप फ्रॉम सफरिंग दे बिकम डिवाइड ऑफ इंटेलेक्ट हृदय ज्ञाना थिंकिंग दैट सन गॉड एंड अदर्स कैन क्विकली डिस्ट्रॉय सिकनेस अदर प्रॉब्लम बट विष्णु कैन नॉट। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि सूरज की पूजा करेंगे तो जल्दी हम बीमारी से ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे लोग विष्णु ठीक नहीं कर पाते हैं, उनको हृदय ज्ञाना बोला है। हृदय ज्ञान का मतलब पीपल हु हैव लॉस्ट ऑल इंटेलिजेंस, हृदय ज्ञान का मतलब है जो सभी बुद्धि को खो दिया है, इसलिए वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और उनका नियम के अनुसार जो है इस प्रकार के स्वभाव के अनुसार इंप्रेशन संस्कार के अनुसार उनकी पूजा करते हैं और उस प्रकार से कारण से भगवान को शरण में डायरेक्ट रूप से नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद जो है सचिए अखिलेश प्रभु, अखिलेश प्रभु जो है 21वां श्लोक पढ़िए। यो याम तनु भक्त श्रद्धया चुर्तुमिच्छति तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदिध्यामयम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य तात्पर्य पढ़िए। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो उस प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। ओके थैंक यू। सचिदानंद प्रभु आप पढ़िए। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलती। सामान्यतः तो जो लोग इस संसार में पीड़ित है, ये देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इस प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्र में विभिन्न देवताओं की पूजन की विधियां बताई गई है, क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधाएं चाहते हैं, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वो प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं।
ये देवता के माध्यम से जीव की इच्छा का पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। हाँ, तो अभी अगला इस प्रकार से तो हम पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, अभी तात्पर्य आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा तो कुछ हम ऐसे समझा देंगे और आगे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देव भगवान जो है, जो व्यक्ति को श्रद्धा होती है तो जो उसकी इच्छाओं के कारण से भगवान इतना प्रेम करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, तू मेरे पास नहीं आया तू जा मर, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, देख लूंगा, ऐसा नहीं कहते, तू मेरे पास नहीं आया तो अब कहीं नहीं जाने, तेरे को जीना हराम कर दूंगा, ऐसे भगवान नहीं करते। भगवान जीना हराम नहीं करते, जीना आराम देते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाने में जो श्रद्धा है कौन देता है, देवताओं को वर कौन देता है, देवताएं कले वो मैं ही देता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से भगवान की पूजा करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं। आगे बोले हैं, सा तया श्रद्धा युक्त तस्य रदनम यते लभते च तथा कामन मयो वितानितान। ऐसी श्रद्धा से जो समन्वित वह व्यक्ति देवता की विशेष पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्राप्त होते हैं। वास्तव में देवता स्वतंत्र नहीं, लगता स्वतंत्र दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई गवर्नमेंट है, कोई कैदी है जेल में, और जेल में कैदी है तो कैदी को छुड़ाने के लिए लगता है जेलर बंद कर रहा है, जेलर छुड़ा रहा है, तो जेलर छुड़ा सकता है, जेलर मुक्त कर सकता है कैदी को स्वतंत्र रूप से, कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं, वो ऐसा लग रहा है वो गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट के डिसीजन के बिना नहीं कर सकता है। उसी प्रकार देवता लोग भी भगवान पर निर्भर रहते हैं वरदान देने में, तो बिना भगवान की अनुमति के बिना लोग नहीं दे सकते, लेकिन कभी। और दूसरी चीज है, कोई व्यक्ति भूल भी जाए लेकिन देवता लोग नहीं भूल, हम भगवान की सत्ता में है, इसलिए भगवान का सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने परमेश्वर की अर्चना करते हैं, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जो अल्प ज्ञानी जीव होते हैं उसे ही मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। तो इस प्रकार से जीव की समानता देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चेतन चरितों ने कहा, जो व्यक्ति भगवान की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं के वाला होता है, और परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा सामान्य स्तर पर नहीं हो सकती। देवताओं की पूजा भौतिक है, परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। तो देवताओं की पूजा वर्शिप होती है, देवताओं की और भगवान की भक्ति होती है। जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक है उसके मार्ग भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, अतः भगवान के शुद्ध भक्तों को भौतिक लाभ नहीं प्रदान करते हैं। तो भगवान क्यों भौतिक लाभ प्रदान नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं संसार में जीव एक दुख भोग रहा है, तो भगवान उसके दुख को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान उसको अच्छा बताइए, हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं है ना, भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की क्या इच्छा है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की इच्छा क्या? यस मधुशिष प्रभु, यहाँ पर कृपा जी लिखते हैं कि भगवान चाहते हैं कि वे जीव अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। हाँ, भगवान की एक इच्छा है कि जीव भगवान के पास आ जाए। जैसे कोई पिता है, उसका बच्चा गुम गया है, तो बच्चा गुमा हुआ भूला हुआ पिता को बहुत सारी इच्छाएं कर सकता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जाना वहां जाना है, लेकिन जिसका बच्चा गुमा है उस पिता की क्या इच्छा होगी, एकमात्र क्या इच्छा होगी कि उसका पुत्र पुत्र, तो वापस आ जाए। उसी प्रकार भगवान की केवल एकमात्र इच्छा है कि मेरा पुत्र मेरे पास आ जाए, और साथ में लेके आ जाए दो चार पुत्रों को, अच्छी बात है, नहीं लेके आया है तो कम से कम खुद आ जाए ऐसा नहीं कि भेजता रहे दूसरे पुत्रों को और खुद यहाँ पड़ा रहे, ऐसा भी नहीं, भगवान खुश नहीं होंगे। तो भगवान बोलते हैं कम से कम तुम तो आ जाओ, नहीं आ सकते हो आ जाओ और लेके आ जाओ दो चार भाइयों को, अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम तुम आ जाओ। तो इसलिए हमको नहीं सोचना चाहिए, भगवान के पास चले जाएंगे तो भगवान बोलेंगे तुम उसको क्यों नहीं लाया, तुम उसको क्यों नहीं लाया, तुम क्यों आ गए ऐसा नहीं बोलेंगे। आप जब जाओगे तो भगवान वेलकम करेंगे, मोस्ट वेलकम करेंगे, और भगवान बोलेंगे मैं तुम्हारे विरह में था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, नहीं तुम चुवाट पातो
कदी है दिवस। तो इसलिए भगवान की एकमात्र इच्छा है केवल कि हाउ दैट जीवा कैन कम टू मी, हाउ कैन जीवा कम टू मी। तो हमको भी डिजायर करना चाहिए भगवान के पास कैसे जाऊं, और दूसरों को मदद करना चाहिए कि दूसरे लोग जा सके तो अच्छी बात है, और नहीं जाए तो कम से कम हमको तो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे तो विराम देंगे, आगे चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आप लोग से कुछ फीडबैक चाहिए था मुझे, ये चल रहा है तो कैसा चल रहा है, आप लोग कैसा लग रहा है, और आप में कुछ आप लोग उसमें अंतर चाहते हैं है, आप लोग कुछ बताइए। हाँ सर, यस मुझे मिस्टर, बहुत हाँ सही कौन बोल रहे नहीं मधु हैं। सिस मैं को बोल बोलिए। रहा हूँ कि ये अच्छा है कि भगवद गीता के तात्पर्यों को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें से आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा है, प्रभात जी के ओके ओके तात्पर्य पढ़ा जा रहा है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि खुद हाँ आदमी पढ़ नहीं पाता तो समूह में पढ़ करके उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बातों को सुन लेना और कभी समझना। कभी हमारा दिन पूरा निकल जाता है, हम किताब पढ़ते ही नहीं है। ये सेवा वो बिल्कुल सेवा सेवा, एटलीस्ट इससे प्रभात के संपर्क में आ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, और तो दर्द ऐसे है कभी कभी तो हम पढ़ पाते हैं तो अच्छा है। और किसी कुछ कहना है सचिनंदन प्रभु? हरे हरे कृष्ण प्रभु, खुदा से सब लोग कृष्ण, बोलेंगे। हाँ बोलिए। तो अच्छा सा समझ में अच्छा आता है आपका यस बात जो है ना, जो बहुत अच्छा से समझ में आता है। हाँ हाँ यस ब्रो, थैंक यू थैंक यू। और कोई कुछ आपको कुछ और सुधार इम्प्रूवमेंट, थोड़ा हम ट्राई करेंगे सब समय से हो जाए, लेकिन कुछ क्लास एक्स्ट्रा रहेंगे तो फिर भी इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर देंगे। लेकिन आप लोग को अनुभव बहुत अच्छा अनुभव रहेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे आराम से समझ के डिटेल पढ़ोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए और भक्ति ये जो चैप्टर है, ये जो जो 6 चैप्टर है बहुत विशेष चैप्टर है जो भक्ति से संबंधित है। और हमारे केवल हमारे एकेडमिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, भक्ति में कैसे हमारे प्रगति और चेतना में कैसे प्रगति, ऐसा होना चाहिए बहुत। ठीक है हरे कृष्ण। ललित किश प्रभु कुछ कहना है आपको, और कोई हाथ खड़ा करके बोलिए कुछ और किसी। क्लास के बारे में मेरे को तो पसंद है ये सब कुछ, हाँ क्योंकि ऐसा ही क्लास कंटिन्यू होना जरूरी है, क्योंकि शिष्य लोग को भी पढ़ने को मिले, और कोई कोई चीज जो आता है बीच में उसको समझ में नहीं आता, उसका ट्रांसलेशन आप अच्छा कर रहे हैं, और किसी को नींद नहीं आती है इसी वजह से। तो मेन बात यह है कि एक्टिविटी अच्छी रहती है, सरस। ओके यस प्रभु जी ओके। और कोई या श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु हाँ, जैसा अभी ललित कृष्ण बोला, सबको अच्छे से एक्टिव से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ यस। अभी आप लोग दोपहर का टाइम थोड़ा सोने का नींद आता है, आलस आता है, हालांकि आलस नहीं आता क्योंकि भूख लगी है ना, तो नींद नहीं आती होगी, पेट खाली रहता है। लेकिन ठीक है, ये बेस्ट है, इस प्रकार से ही जो है हम चर्चा करके पढ़ सकते हैं। और लोग बस मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोग का जो है, आप लोग पूछिए, और आप लोग का जो है जिज्ञासा, और आप लोग का आदान प्रदान, आप लोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट जैसे रहेगा तो उतना और अच्छा हो रहेगा। ठीक है तो विवेक प्रभु यस जैसे तात्पर्य पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मतलब आप बीच बीच में प्रश्न करेंगे तो उसमें से उत्तर देते रहेंगे, तो थोड़ा सा बहुत सारी चीजें क्लियर होते रहेगा पूरी। प्रश्न मुझे करना है, मैं प्रश्न करूं भक्तों से? जैसे प्रश्न आप भी करेंगे तो सही रहेगा ना प्रभु जी, जैसे भक्त लोग प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो आप भी उसमें से पढ़ा रहे हैं आप, तो उसमें से बहुत सारा प्रश्न कर सकते हैं, तो बहुत सारा प्रश्नों का उत्तर मिलते रहेगा ना प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे चीजें क्लियर होता रहेगा ओके तो मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसा आएगा तो करेंगे। कल्याण प्रभु यस प्रोजेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा क्लास सुना आप बता रहे हो, थैंक यू सो मच। बहुत सब समझ में आ रहा है प्रभु जी। मेरे एक प्रश्न था लास्ट का, लास्ट में आप बोले जैसे
ये श्लोक में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान चाहते हैं सब भक्त को अपने पास बुलाने के लिए, पर इतना सारा जैसे मतलब अपराध है और इतना सारा नियम आदि है, इतना सारा सूक्ष्म तत्व है जो भक्ति में मतलब कभी कभी मतलब ऐसा लगता है भक्ति है व्यक्ति डिरेल कर देता है, तो फिर इससे आपका मतलब इंटरनेट दोनों है में कनेक्शन हरे कृष्ण आवाज आ रहा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आवाज आवाज आपका सही नहीं आ रहा है, आवाज सही नहीं आ रहा, वीक है प्रो आवाज आ रहा है अभी? बाद में। हाँ अभी ठीक है। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी इस श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं कि सबको हम मतलब आपको वापस बुलाना चाहते हैं भक्तों को, कोई भी जीवात्मा को, पर इसमें जो अपराध की बात आती है या फिर जो भक्ति के 9 विधि है, 9 स्टेजेस है भक्ति के, तो भी जो इतना सारे चीजें हैं, तो इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ा लॉन्ग स्टेप है, बड़ा इसमें भक्त में कभी कभी निरुत्साह की दिखाई देता है, तो इस इन दोनों में समन्वय कैसे बैठे कि भगवान चाहते सबको वापस बुलाने के लिए और फिर इतना सारा स्टेप्स है, इतना सारा अपराध की प्रॉब्लम से, तो इन दोनों में नहीं समन्वय कैसे बैठा है? थैंक यू तो प्रभु। इसमें भगवान की तरफ से दोष नहीं है, भगवान की तरफ से गलती नहीं है, देरी नहीं है, और ये बाधाएं तो हमारे तरफ से है, लेकिन भगवान की इच्छा तो है कि हम आए, इसलिए भगवान अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं, गुरु भेजते हैं, साधु भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, मंदिर भेजते हैं, प्रसाद देते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान चाहते हैं और कुछ प्रॉब्लम ना हो सब अपर, तो ये नहीं, तो हमको तो हमको हमारे जीवन में दिया है, लेकिन स्वतंत्र इच्छा तो है हमारे ही पर है ना, हम कोई पत्थर नहीं है, उठा के रख दो उधर या इधर से उठा के उधर रख दो, उठा के रख देंगे तो हम उठ के आ जाएंगे, पत्थर होते तो उठा के रख देते भगवान, हम कॉन्शियस बींग है, तो हम बोलेंगे भगवान क्यों मुझे इधर लेके आ गए, मैं बोर हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तो इसलिए उठ के आ जाएंगे, तो इसलिए हम कॉन्शियस बींग है, इसलिए हम कॉन्शियसली कॉन्शियसली एंडेवर करना पड़ेगा, और भगवान तो चाहते हैं लेकिन इच्छा और प्रयास तो हमको करना पड़ेगा, और हमको भगवान को दिखाना पड़ेगा कि हम आपके पास आना चाहते हैं इस प्रकार से, ठीक है। थैंक यू सो मच, हरे थैंक यू भाई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस प्रभु, प्रभु जी, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने से सभी लोगों को, और ये जो गद्य है इसके लिए बहुत ही सहज सरल और सरस रूप में, और हम सभी लोग एकाग्रचित हो रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे बोल, हरे कृष्ण, मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बहुत अच्छे से पढ़िए, और प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है और हमको दिया नहीं, कुछ कमी रह गई है, वास्तव में प्रभुपाद ने हीरे छिपा के रखे हैं, बस हीरे को लेने आना चाहिए, वो रत्न, समुद्र में रत्न है तो लेना आना चाहिए, उसके बाद वह दिया है अनुभव जाए आ जाएगा, उसको पालन करेंगे, अक्वायर्ड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज, तो हमको पहले अक्वायर करना है, देन अप्लाई करना है, देन रियलाइज होना है, तो अल्टीमेट हमको रियलाइजेशन चाहिए, हमको रियलाइजेशन चाहिए, रियलाइजेशन के बिना केवल नॉलेज नॉलेज को ज्यादा लाभ नहीं है, तो प्रभुपाद बोलते हैं बुकिश नॉलेज इज फुलिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज का नहीं होना चाहिए, तो रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन कैसे आएगा, तो अक्वायर करेंगे, अप्लाई करेंगे, देन बिकम्स रियलाइजेशन, हरे कृष्णा, तो समय हो गया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना पार्टिसिपेंट बड़े ध्यान से सुनते हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोग को कृतज्ञ है, आप लोग तो बहुत सीनियर हैं, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, इस प्रकार से मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, श्री गोपाल की जय। जय जय कृष्ण।